हेलो बच्चों, एक बार फिर से मैं इमरान अहमद, मेरा यूट्यूब चैनल इमरान मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकॉन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि जब मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट का 4 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखा था। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट का 5 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे। इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी यह हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका मान ज्ञात करना है कि इसका मान कितना होगा। तो अब हम इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इज इक्वल टू, यहाँ पर है 5 तो 5 लिखेंगे, और कॉस और 5 के बीच में कुछ भी नहीं है तो गुणा छिपा हुआ, यानी इन टू, और कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो हम जानते हैं कि कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो हम लिख देंगे 1/2। यहाँ पर एक कॉस का स्क्वायर, तो लिख देंगे इसका भी स्क्वायर। उसके बाद है प्लस, तो प्लस लिखेंगे। उसके बाद है 4 है, और सेक और 4 के बीच में कुछ भी नहीं है, यानी गुना छिपा हुआ है। गुना और सेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो हम जानते हैं कि सेक 30 डिग्री का मान होता है, सेक 30 डिग्री इज इक्वल टू 2/√3। तो इसको हम लिखेंगे 2/√3, और यहाँ पर देख रहे हैं कि सेक का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद है माइनस, तो माइनस लिखेंगे, और यहाँ पर है 10^2 45 डिग्री। तो हम जानते हैं कि 10 45 डिग्री का मान होता है, यानी 10 45 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 है, और यहाँ पर है 10 का स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद है बटा, तो बटा लिखेंगे। उसके बाद है साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान होता है, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1/2। तो यहाँ पर लिख देंगे 1/2, यहाँ पर है साइन का स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद है प्लस, तो प्लस लिखेंगे। उसके बाद है कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो हम जानते हैं कि कॉस 30 डिग्री का मान होता है, कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 3/2। यहाँ पर है कॉस का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। इस सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों को याद करने का एक ट्रिक देखा था। अगर आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख जाएगा, वहाँ से आप त्रिकोणमिति के मानों को एक ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू, यहाँ पर 5 तो 5 लिखेंगे। उसके बाद है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई, और यह जो स्क्वायर है वह 1/2 और 2/2 है, यानी 1/2 हो जाएगा 4। उसके बाद है प्लस, तो प्लस लिखेंगे। उसके बाद है 4 तो 4 लिखेंगे, गुने, और यह जो स्क्वायर दिया हुआ है और 2/2 है, और यह 3/2 है, यानी 2 हो जाएगा 4 है, और पौने, और यह 3/2, यानी रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा 3। उसके बाद है माइनस, तो माइनस लिखेंगे। उसके बाद है 1/2, तो हम जानते हैं कि 1/2 1 होता है। उसके बाद है बटा, तो हम लिख देंगे बटे, यहाँ पर जो स्क्वायर दिया हुआ है और वो यह 1/2 है और 2/2 है, यानी 1/2 हो जाएगा 1 है, और 2/2 हो जाएगा 4। उसके बाद है प्लस, तो प्लस लिखेंगे, और यह जो स्क्वायर दिया हुआ है वह 3/3 है और 2/2 है, यानी रूट से स्क्वायर कैंसिल हमें मिलेगा 3/4, और 2/2 हो जाएगा 4। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू, यहाँ पर देख रहे हैं कि यह इतना गुना में है, यानी हम बटा गुना बनाना है, यानी इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, यानी ऊपर वालों को ऊपर वाले के साथ, यानी 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 5 है, और नीचे है 4 और 1, यानी 4 को 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 4। उसके बाद है प्लस, तो प्लस लिखेंगे, और इस 4 के नीचे भी 1 छिपा हुआ है, यानी यह इतना गुना में है, यानी ऊपर वालों को ऊपर वाले के साथ गुना करेंगे, यानी 4 में 4 से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 16 बटे नीचे है 1 और 3, यानी 3 में 1 से गुना करेंगे 3 एकम 3। उसके बाद है माइनस, तो माइनस लिखेंगे। इसके बाद है 1 तो 1 लिखेंगे, और यहाँ पर देख रहे हैं कि इस 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं रहता है तो उसके नीचे 1 छिपा हुआ रहता है, यानी 1/1। उसके बाद है हमारा मेन बटा, तो मेन बटा लिख देंगे, और यहाँ पर है 1/4 प्लस 3/4, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/4 है प्लस 3/4। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं कि जो यहाँ मेन बटा है इसके ऊपर भी बटा आ रहा है, यानी इसका मतलब है कि ऊपर हम भिन्न और जोड़ का भिन्न का हम जोड़ घटाव करेंगे, यानी जोड़ घटाव करने के लिए जो नीचे रहता है उसके एलसीएम लेते हैं, यानी 4, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा 12 है, और यानी 12 मिलेगा, और 4 को 5 डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 3 है, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 5 यही
15, उसके बाद ये प्लस तो प्लस लिखेंगे, उसी तरह 3 में 12 डिवाइड करेंगे यानी भाग करेंगे तो हमें मिलेगा 4, और 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना करेंगे तो 16 चौका 64। उसके बाद ये माइनस तो माइनस लिखेंगे, और उसी तरह 1 को 12 डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 12, और 12 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 12। उसके बाद हमारा मेन बटा तो मेन बटा दे देंगे, और उसके नीचे भी देख रहे हैं कि बटा आ रहा है यानी यहाँ पर भी हम बटा का जोड़ करेंगे यानी भिन्न का जोड़ करेंगे। भिन्न का जोड़ करने के लिए नीचे वालों को नीचे वाले के साथ एलसीएम लिया जाता है, तो हम लेंगे इसका एलसीएम हो जाएगा 4, और 4 का एलसीएम हो जाएगा 4 है, और 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1। उसके बाद प्लस तो प्लस लिखेंगे, उसी तरह 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ पर देख रहे हैं कि 15 के पहले कुछ भी नहीं है, जब कुछ भी नहीं रहता है तो उसके पहले प्लस छिपा हुआ रहता है यानी यह दोनों ऐड में यानी प्लस में, तो जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 79, और जो प्लस वाला जोड़ते हैं तो प्लस साइन मिलता है। उसके बाद है माइनस 12 तो माइनस 12 लिखेंगे, उसके बाद है अपॉन, यहाँ पर है 12 तो 12 लिखेंगे, और यह हमारा जो दिया हुआ यह मेन बटा है यानी बटे का मतलब होता है भाग, एंड जो भाग होता है वह चेंज हो जाता है गुना में, और जो भाग के नीचे यानी बाटा के नीचे जो रहता है वह पलट जाता है यानी 4 चला जाएगा ऊपर, अपॉन यह चला आएगा नीचे, 1 + 3 चला आएगा नीचे यानी 1 और 3 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 4। तो इस 4 से यह 4 कैंसिल हो जाएगा 1 बार में, तो आगे हमें मिलेगा इज इक्वल टू, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस यानी घटाने को बोल रहा है तो माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 67/12। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।